हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हम क्या क्या पढ़े थे? स्वर में अ आ ई ई उ रु ए ऐ। आज हम नेक्स्ट स्वर सीखेंगे। नेक्स्ट स्वर है हमारा ओ। ओ का इंग्लिश वर्ड होता है ओ। ओ का इंग्लिश वर्ड ओ ही होता है ओ। ओके, ओ थी ओड, ओ थी ओड, ओ थी ओडनी, ओ थी ओडनी, ओ थी ओड। ओड का इंग्लिश वर्ड होता है लाइन। ये देखो लाइन। ओके, ओ थी ओढ़नी। ओढ़नी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्टॉल, लॉन्ग स्कार्फ, लॉन्ग स्कार्फ, या तो स्टॉल स्टॉल बोला जाता है। ओके, अब हम ओ को कैसे ड्रॉ किया जाता है वो देखते हैं। ओ को ड्रॉ करने का फर्स्ट स्टेप है हमारा अ। अ सबको आना चाहिए। अ इसके पीछे काना लगाओ तो क्या हुआ? आ। और एक मात्रा, इसको क्या बोला जाता है? मात्रा। ओ, ओ थी ओडनी। चलो अब हम फुल पेज लिख के प्रैक्टिस करेंगे। ओ थी ओडनी, ओ थी ओडनी, ओ थी ओडनी, ओ थी ओशिकू, ओ थी ओड। ओके, ये आपको फुल पेज लिख के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब हम ओ से बनने वाले वर्ड सेंटेंस पढ़ेंगे। ओ से बनने वाले वर्ड्स, सॉरी, ये आपको यहाँ पे आपको पूरा करना है। ये लिख के यहाँ पर लिख के प्रैक्टिस करना है आपकी टेक्स्ट बुक में। चलो अब ओ से बनने वाले वर्ड्स पढ़ेंगे। आपको भी मेरे साथ रिपीट करना है। ठीक है, ओग, ओग, ओरु, ओरु, ओस, ओस, ओड़, ओड़, ओड़क, ओड़क, ओड़ो, ओड़ो। ओके, चलो ओ से बनने वाले सेंटेंस पढ़ते हैं हम। संजय मारा ओजार आप। संजय मारा ओजार आप। ओशिकानु, ओशिकानु, टेकण लाओ, टेकण लाओ। मारू नाम ओमकार छे, ओमकार छे। ओके, आज हम क्या पढ़े? ओ, ओ थी ओढ़नी। ये आपको आज का आपका होमवर्क क्या है? जो मैंने ओ लिखवाया है वो फुल पेज लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्लास ख़त्म हो रहा है। ओके, बाय, थैंक यू।